हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश ओझा, ठीक है। और मेरे पे हो गया ये पोको हरामी कंपनी का दिक्कत, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये पोको एक्स 3 प्रो का क्या सीन था, ठीक है। तो गाइस देखो, ये रहा अपना बेल मेल, ठीक है, जो भी अपन ने लिया था। तो गाइस अपना मोबाइल का इशू शुरू हुआ था 27 तारीख को। कितनी तारीख को? 27 तारीख को, ठीक है गाइस। तो 27 तारीख को कितने, 27 फरवरी 2023 को मेरा मोबाइल हो गया था खराब। किस चक्कर से भाई, मैं व्हाट्सएप चला रहा था, अपने आप बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद शुरू होती है कहानी। तो मैं गया भाई साहब पोको पर डालने, तो ये उन्होंने कुछ 1:30 बजे मुझे ये स्लिप निकाल के दी। वो बोला 10 से 15 दिन लगेंगे, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ घर में बोली कि अब तो मेरा 15 दिन बाद क्या है तारीख है, ठीक है। तारीख मतलब मोबाइल मिलेगा, ठीक है। अब अपन ने क्या पता 15 दिन बाद नहीं मिलेगा। देन अपन ने कॉल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल किया कब, इसके 15 दिन बाद, ठीक है। तो देख सकते हो ये रही वो 13 तारीख, ठीक है। पूरे 15 दिन हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल किया, बहुत बहस चली, ठीक है। मैंने चैट पे, सपोर्ट पे, इधर उधर भीख सी मांगी भाई साहब इस पोको कंपनी से, ठीक है। तो भाई ये मैं मोबाइल का बता दो, कोई अपडेट नहीं, ठीक है। तो वो बोलते हैं भाई, फिर जब मैंने इस ये है ना, ये MI सर्विस सेंटर यहाँ कॉल किया, तो भाई यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब अपन कहते नहीं है कि अगर कोई करता नहीं है तो अपन सामने वाले बताते कि अरे हराम ज्यादा है साला है। तो ऐसी चीज मैंने यहाँ बोली, ठीक है। तो उधर का जो बात करने वाला था ना, वो माँ की गाली देने लगा के टी करके, के फोन साइड में रख, फिर बात कर, ठीक है, ऐसी बात करने लगा। मैं बोला मेरे के जिस मैडम ने मैंने फोन किया था कि भाई अपडेट बता दो, क्योंकि सपोर्ट वाले बता नहीं रहते। तो भाई यहाँ पूछा तो यहाँ बोलते हैं कि साहब हमने तो बोला था 1 से 2 महीने लगेंगे। बताओ मतलब इंसान चूतिया है क्या साला? पहले तुम 10-15 दिन बोलोगे, फिर बोल दोगे 1 से 2 महीने लगे। मतलब इंसान की मेमोरी इतनी घटिया है, वो तो कसम से मोबाइल नहीं था, नहीं तो इनकी वीडियो बनाई होती ना तो मजा आ जाता क्राक, ठीक है। तो भैया ऐसे बहस चली मैं इनकी, ठीक है भैया मर लो, अगर 1-2 महीना चाहिए। फिर भैया कंप्लेन हुई कि तुम्हें कितने तारीख को, कि तुम्हारा 24 तारीख तक सही करके देंगे, ठीक है। मतलब 24 तारीख को तुम्हारे अपडेट दे, देखो दो दो मैसेज आए, इसमें डेट भी मेंशन है। अब बताओ ये साली कंपनी इतनी चूतिया है ना, क्या बताऊं मैं। मतलब खुद के जो नियम कानून बनाती है ना, उससे खुद ही फॉलो नहीं करती, फिर क्या साला क्या करेगी। बस इसलिए लोगों का काट रही है, सबसे घटिया कंपनी है साली। मैंने तो तय कर लिया, मतलब आज के बाद लेना ही नहीं है जो MI, रेडमी और साला पोको। अब तुम समझ जाओ, वो शब्द आ रहे होंगे ना, वो तुम फील कर लोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये देख लो आज हो गई, आज भी वही तारीख है, ठीक है। आज मैं सवेरे, आज मैं कॉलेज नहीं गया, क्यों भाई साहब, इनका कॉल आने वाला था और हमारे वहां है ना नेट बकाते नहीं जियो के। तो मैं इनकी साला इनका कॉल आएगा मिस ना कर दूं, तो भैया आज मैं कॉलेज नहीं गया। अब भाई साहब मैं बैठा हूँ तब से के भाई फोन आएगा, फोन आएगा, यहाँ 4 बज गए पर घंटा फोन नहीं आया साला। मैंने इन्हें 2:30 बजे सपोर्ट करा, चैट करा, इनसे पूछा भैया मेरे बताओ कंप्लेंट क्या हुआ। कहते हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता भाई, सपोर्ट पूछ, हमें नहीं पता भाई, ट्विटर करा कि सर वेट करो सर वेट। अरे भोसड़ी वालों, जब तुम्हारे 5 बजने वाले हैं, जब तुम्हारे पप्पा जी फोन नहीं कर रहे तो क्या करे। मतलब इन सब कॉल वाले से पूछा ना कि मैडम कौन, मैडम कहाँ है, मैडम कौन देगा मुझे, मैडम कहती है कोई नहीं बता पाएगा। मैं इनके साला कंपनी में कोई बता नहीं पा रहा कि मतलब कब तक सोल्व होगा, तो क्या पापा आएंगे, मतलब भगवान आके देखा जाएगा क्या मेरा मोबाइल सही करके। भगवान जाने क्या चूतिया कंपनी है ना भाई, दिमाग का भोसड़ा कर दिया, मैं सही बता रहा। अब वो तो मैं बोल नहीं रहा, नहीं तो खराब हो जाएगा, दिमाग खराब है। अब बताओ 1 महीने से इंसान बैठा है साला, मोबाइल सही होगा पर इनकी। अरे यार अब चलो गाइस देखते हैं अब। हाँ पोको वालों का तुम तक गलती से पहुंच जाए ना, तो मोबाइल सही कर क्या कर दे पाओ तो दो, नहीं तो साला 18,000 के लिए एक दूसरा मोबाइल दे दो, कुत्तो कमीनो नाश मिटो घोसड़ी के। मतलब साले इतने बड़ी कंपनी है जाओमी की, बुत पप्पा है ना रेडमी MI जे, क्या साला मतलब एक एक मोबाइल के चक्कर में रोते हैं। पता पहले भी ऐसे रो रहे थे मोबाइल के लिए, शर्म नहीं आती। मतलब ऐसा मोबाइल बनाया है, इन्हें पता था कि ये इशू आएगा पर कोई सोल्यूशन ही नहीं है साला।
जब मेरा मोबाइल खराब हुआ था ना, उससे पहले 1 महीने पहले से मेरे में इशू आ रहा था। साला उन पे अपडेट अपडेट भेजे, कॉल करा, अरे कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई। ये पोको का चूतिया कंपनी है, माँ कसम दिमाग खराब कर रखा है। बस गलती से मैं सोच रहा था, साला बंदे ने बोला था और दूसरा मोबाइल ले लेता, काश अगर लिया होता ना तो वो साला इतनी दिक्कत तो नहीं करता कि 1 साल में ही खराब हो गया। 18,000 पानी पानी कर दी इस कंपनी ने, चूतिया कंपनी। अब वो समझ जाओ, वो लिख दूंगा वो शब्द जो तुम्हें पता है। अब ये कंपनी की तो इज्जत करनी पड़ेगी, बता दो अगर कोई पता हो कैसे इनके ऊपर कंप्लेंट फाइल करनी। अपन पे ये प्रूफ है कि ये खुद की डेट मेट मानते नहीं है, सोल्यूशन देते नहीं, और ठीक है। और एक जगह एक बंदे ने बताया था, आज कोई कस्टमर केयर वाले से पूछा ना कि सर क्या क्या होता है, वो कहता है क्या अगर सर्विस सेंटर की बात माने तो वो कहते हैं 7 दिन में रिपेयर करके देंगे, ठीक है सर 10 दिन में, ठीक है नहीं है कि उसके बाद क्या माई टीम करती है, वर्क करती है 10 दिन तक, अगर टीम का रिजोल्यूशन नहीं आया मैं इनके, फिर इनके मेरे दो ही ऑप्शन खत्म होगा कि सर अब पता नहीं क्या होता है सर इसके बाद। मतलब साला कंपनी में कस्टमर केयर वाले पता नहीं है कि भाई इन दो प्रोसेस के बाद क्या होगा। मतलब इंसान के 18,000 डूब गए, ये चूतिया बना रहे हैं भोसड़ी के। सही बात तो ये है, इस चीज खराब नहीं भाई यार, क्या करें यार, 18,000 डूब गए, बड़ा दुख हो रहा है। पर गलती से तुम कभी मत फंसना, इसके मैंने रिव्यू पढ़े हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ बता दूंगा। इसके रिव्यू तो मैंने पढ़ रखे हैं, कैसे कैसे रिव्यू हैं देखो मैं बताऊं। रेडमी के एक है ना कस्टमर केयर वाले ने ही बोला था, क्या बोला था रुको, हाँ तो उसने बोला था कि अगर मतलब, अरे तुम्हें इसके रिव्यू दिखाता हूँ बे। हाँ इसमें मतलब ऐसे घटिया घटिया रिव्यू लिखे हैं, कोई कहता ही नहीं है कि सबसे बढ़िया, सबसे चूतिया रिव्यू बोला जाता है, ठीक है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि वो कस्टमर मतलब वो बोलता है कि मैंने खुद ने काम कराया उधर, ठीक है। तो उधर क्या होता है कि अगर 7 दिन में मोबाइल नहीं होता ना, और 10 दिन में भी नहीं, 10 दिन में मोबाइल रिपेयर नहीं होता ना, उसके बाद के रिप्लेसमेंट देते हैं। पर यहाँ भोसड़ी वाले हैं कोई वो नहीं देते, साला चूतिया बनाने लगे हैं, बस टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं लोगों की। चूतिया कंपनी है इनकी, ऐसे कर दूंगा भगा भोसड़ी वालों को। मैं तो कह रहा साला चाइना की एप्स की वजह ये ऐसी चूतिया कंपनियों को बैन करें ना, आग लगा दो सालों में। जब MI भोसड़ी की ना कसम, देख रहा चूतिया बना रखा है ना भाई, दुख होता है बड़ा। 18,000 डूब गए, मम्मी 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 ने पैसा दिया तो बड़ी मुश्किल से, अब कहाँ से लाएंगे भाई, लुट गए हम, बर्बाद हो गए गए। चलो रो, इसी के साथ रोते रोते दुख का सामना करते हैं, बाय बाय।